नमस्कार फ्रेंड्स, बीपीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है फ्रेंड, और आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी प्री यानी पीटी में साइंस में फुल स्कोर कैसे किया जाए। ये वीडियो खास करके उन स्टूडेंटों के लिए है फ्रेंड जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है और वो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और वो एक न्यू स्टूडेंट है। तो एक कम्प्लीट वीडियो है। अगर आप बहुत दिनों से पढ़ भी रहे हैं और अगर आपका साइंस में अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी हो सकता है। तो सबसे पहले अगर बात करें फ्रेंड, तो जिस प्रकार से अगर आपने देखा होगा तो साइंस का पैटर्न इस बार बीपीएससी में बिल्कुल बदल चुका है। अगर आपने 66वीं 67वीं बीपीएससी का अगर आपने पेपर दिया होगा तो वहाँ पे जो साइंस थे फ्रेंड, अगर आप स्पीडी से भी एक कॉमन सा रेलवे स्पीडी करके एक बुक आती है, अगर वहाँ से भी अगर आप पढ़ के जाते हैं तो बहुत सारे साइंस ऐसे आते थे जो ऑप्शन सहित डायरेक्ट टू डायरेक्ट वहाँ पे प्रिंट होते थे। मैंने भी 66वीं बीपीएससी का पेपर दिया था, वहाँ पे ऑलमोस्ट अगर मैंने साइंस का देखा था बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट जो स्पीडी के पीछे में जो सेट दिया हुआ रहता है उसके सेट से ऑप्शन सहित लड़ रहे थे। तो आप पैटर्न बिल्कुल बदल रखा है। अगर आपने इस बार का पेपर देखा होगा 68 का अगर आपने पेपर देखा होगा तो वहाँ पे साइंस फ्रेंड बहुत ही लॉजिकल हो गए थे। तो किस प्रकार से अभी से तैयारी करना चाहिए, तो देखिए अगर आप अभी का जो मेन रूप से जो अभी पैटर्न चल रहा है इस पैटर्न को अगर आप अच्छे से समझ सकते हैं ना, तो अभी का जो पैटर्न है वो पहले वाले पैटर्न से भी आसान हो गया। बस अब यहाँ पे उन स्टूडेंटों का स्कोर होता है फ्रेंड जो साइंस की समझ रखते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें फ्रेंड, तो यहाँ पे मैं आपको दो बुक सजेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप मान लीजिए अगर आपकी 69वीं बीपीएससी को अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो फिर तो आपको ये बुक उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी अगर आप इसके लिए, क्योंकि फ्रेंड आपको 3 से 4 महीने आपको प्रॉपर देने होंगे। तो ये उन स्टूडेंटों के लिए बुक मैं सजेस्ट कर रहा हूँ जो आगे की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए आप 70वीं को टारगेट कर रहे हैं, 71वीं को टारगेट कर रहे हैं, फिर ये बुक के साथ आपको जानी चाहिए। ये जो बुक है फ्रेंड वो भारती भुवन का बुक है। भारती भुवन एज इट इज़ एनसीईआरटी के पैटर्न पर आती है और ये सेम चीज़ मतलब ये 9th-10th की आरसी भारती भुवन है। तो ये बुक की जो मेन खासियत ये है फ्रेंड कि इससे अगर आप पढ़ेंगे ना तो साइंस को आप फील कर सकते हैं। मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मेरा केमिस्ट्री बहुत ही वीक था और मैं इसी बुक के बदौलत मैं केमिस्ट्री में अपने आप को तीनों से सबसे अच्छा, फिजिक्स से भी और बायोलॉजी से भी सबसे अच्छा मैंने अपने आप को केमिस्ट्री में कर लिया था। तो इस बुक को अगर आप पढ़ते हैं तो आप साइंस को फील करने लगेंगे। अगर आपने 68वीं बीपीएससी का पेपर देखा होगा तो कहीं से भी कोई भी एक ऐसा प्रश्न नहीं था फ्रेंड जिसमें लॉजिकल नहीं था। हर एक प्रश्न को आप लॉजिक के हिसाब से आंसर दे सकते थे और ऑलमोस्ट वो 9th-10th के सिलेबस को फॉलो किया था। तो इस अनुसार से अगर आप 70वीं या 71वीं बीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं तो अगर आप साइंस में 2 से 3 महीने अगर 3 से 4 घंटे अगर आप समय निकालते हैं तो फिर ये बुक जो आपकी भारती भुवन की जो बुक आती है ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी हो जाती है। हालांकि सेम बुक आप एनसीईआरटी की भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी मैंने भी नहीं पढ़ा था क्योंकि एनसीईआरटी का जो लैंग्वेज है फ्रेंड वो बहुत ही थोड़ा सा टफ है और बहुत ही मतलब पेचीदा लैंग्वेज है। उसी चीज़ को आपको यहाँ से आसान भाषा में सिंपल लैंग्वेज में आपका समझाया वो बुक है। तो आप देख सकते हैं 9th-10th की भारती भुवन की फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों की अलग अलग बुक आती है। तो अगर आप साइंस के नए स्टूडेंट हैं, अगर आप 70वीं 71वीं को टारगेट कर रहे हैं तो इस बुक को अपना गाठ बांध लीजिए। बहुत सारे मैंने वीडियो बताया रखा है, कोई भी इस बुक को यूट्यूब पर नहीं सजेस्ट किया होगा, मैं इस बुक को सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपको साइंस को फील करना है तब आप इस बुक के साथ जा सकते हैं। इसके अलावा अगर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको इसी बार बीपीएससी का पेपर देना होगा, उनके लिए फ्रेंड मैं बताना चाहूँगा ये जो बुक आती है घटना चक्र पूर्वालोकन नाम की, यहाँ पे हमारे पास सामान्य भूगोल की बुक है। इसी प्रकार से आपका सामान्य विज्ञान की बुक आती है, हमारे पास वो भी बुक है। अनफॉर्चुनेटली वो बुक मिल नहीं रहा था, इसके कारण मुझे ये बुक दिखानी पड़ी। इस बुक की जो मेन खासियत क्या है फ्रेंड कि यहाँ पे बीपीएससी यूपीपीसीएस या यूपीएससी के जितने भी अभी तक के प्रीवियस ईयर हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा जो इस बुक की जो दूसरी मेन खासियत हुआ है कि यहाँ पे जो प्रश्न होते हैं, जैसे मैं आपको समझाना चाहूँगा, जैसे देखिए यहाँ पे सीमावर्ती देश है, इसी की जगह पे आपका फिजिक्स का कोई टॉपिक रह सकता है, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे रह सकता है गति। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करते हैं कि यहाँ पे गति से रिलेटेड जितने भी आपके फैक्ट बन सकते हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। जितना भी आपका डाटा रहेगा वो आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए मिल जाएगा और इसी से रिलेटेड फ्रेंड आपको यहाँ पे इसके क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अब इस बुक की जो मेन खासियत वो क्या है, अगर आपने इस बार का बीपीएससी का पेपर देखा होगा तो वहाँ से कहीं से भी
कोई बहुत इक्के दुक्के ही ऐसे क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्ट टू डायरेक्ट फैक्ट पूछे गए थे, बहुत कम ऐसे क्वेश्चन थे जो जिसमें फैक्ट से डायरेक्ट मतलब कहीं से रटा रटाया क्वेश्चन है जाकर के आप क्वेश्चन में टिक कर सकते हैं। इस बार का जो कट ऑफ कम जाने का भी जो रीजन था वो यही था फ्रेंड कि यहाँ पे फैक्ट नहीं पढ़ा था। बीपीएससी के स्टूडेंट हमेशा फैक्ट पे फोकस करते हैं और इस बार जो है वो फैक्ट नहीं पूछा था, इसलिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन किया था। तो यहाँ पे इस बुक की जो मेन खासियत क्या होती है फ्रेंड, अगर आप कोई भी टॉपिक जैसे एक फैक्ट का ही क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा घर्षण किस तरह के घर्षण में होता है, स्पर्शी घर्षण में होता है, लोटनी घर्षण में होता है, किस प्रकार के घर्षण में होता है, तो अगर आप उस क्वेश्चन को पढ़ते तो ना केवल आपको आंसर देखने को मिलेगा बल्कि आप उन तीनों घर्षण को भी समझ सकते हैं। नीचे उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से वो डिस्क्राइब किए हुए रहते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहाँ से उस चीज़ को फैक्ट को समझ सकते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल के भी जो प्रश्न पूछे गए आज तक के बीपीएससी में, वो सभी को आप यहाँ से बना सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। तो ये बुक की जो मेन खासियत है वो ये है कि यहाँ पे आपको फैक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा आपको यहाँ पे उसके जो सॉल्यूशन होता है वो आपको विशेष इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। तो जब भी आप घटना चक्र पढ़ें फ्रेंड, और खास करके अगर आप साइंस की बुक पढ़ें तो साइंस में आप उसके सॉल्यूशन से उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा, आप ये वाली बुक जो आती है एनसीईआरटी सार आती है, इस बुक को आप जरूर से जरूर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे ये होगा फ्रेंड कि कुछ प्रश्न जो होते हैं वो एनसीईआरटी के पैटर्न पे होते हैं, तो आप यहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ही कम आपको क्वेश्चन देखने को मिले, जैसे यांत्रिकी से एक दो पेज में जो एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको आप लोग यहाँ से रिविजन के तौर पर ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात करें फ्रेंड, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक रामबन किताब बता रहे हैं, भारती भवन की ये वाली बुक, 9th-10th की बुक को फॉलो कीजिए। निश्चित तौर पर फ्रेंड जब आपका साइंस कंप्लीट होगा, इसी वीडियो के नीचे आकर के कमेंट कीजिएगा कि बहुत ही शानदार बुक बताई थी, मैंने इससे पढ़ा है और मेरा आज तक साइंस में ऑलमोस्ट मैंने हर एक एग्जाम में 100% स्कोर किया है। तो ये बुक अगर आप समय दे सकते हैं इस बुक पे तो एक रामबन बुक है साइंस के लिए। अगर आपका निश्चित तौर पे अगर आपका नज़दीक एग्ज़ाम है तो आप जैसे 69वीं को टारगेट कर रहे हैं तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इस के आपको कॉन्सेप्ट या सॉल्यूशन पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। इसके साथ आप एनसीईआरटी को भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये आज का वीडियो था, आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी आप नीचे कमेंट करके इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप कोई सुझाव दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।